छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से 4 दिन पहले 3 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। भाजपा ने अपने घोषणा पत्र को मोदी की गारंटी का नाम दिया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूर्व सीएम रमन सिंह, प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के साथ बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घोषणा पत्र का विमोचन कर कहा कि भाजपा का रिकॉर्ड है कि ये सिर्फ घोषणा पत्र नहीं, ये हमारा संकल्प है, इसलिए भाजपा ने छत्तीसगढ़ को नया राज्य बनाया। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी का एक रिकॉर्ड है कि चुनाव घोषणा पत्र सिर्फ घोषणा पत्र नहीं होता है, हमारे लिए संकल्प पत्र होता है। कोई विवाद के बगैर ऐसे ही एक संकल्प की परिपूर्ति करते हुए हमने छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की थी और छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना का उद्देश्य जो था वो एक प्रकार से विकास से महरूम रह गए ये पूरे क्षेत्र को एक नया राज्य बनाकर विकास की मुख्यधारा में सम्मिलित करना था। छत्तीसगढ़ की स्थापना के कुछ ही समय के बाद हमें छत्तीसगढ़ के लिए काम करने का मौका मिला। 15 साल तक रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चली और ये 15 साल छत्तीसगढ़ को बीमारू राज्य से एक अच्छे राज्य में तब्दील करने वाले 15 साल रहे। अभी 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, अब फिर से चुनाव आया है। मुझे मालूम है यहां पर छत्तीसगढ़ की जनता परिवर्तन करने जा रही है। मैं छत्तीसगढ़ में घूमा हूं, जनता से संवाद भी किया है। मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से छत्तीसगढ़ की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि बीमारू राज्य से हमने छत्तीसगढ़ को अच्छा राज्य बनाया है और ये अच्छे राज्य को संपूर्ण विकसित राज्य बनाने का काम हम आने वाले 5 साल के अंदर करेंगे। 15 साल जो हमारे रहे वो 15 साल में रमन सिंह के नेतृत्व में और 5 साल रमन सिंह और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। शुरुआत के 10 साल ढेर सारी अड़चनें होने के बावजूद भी हमने छत्तीसगढ़ का दिन दूना रात चौगुना विकास करने का काम किया। छत्तीसगढ़ के कई दुर्गम क्षेत्रों को नक्सलवाद के कहर से मुक्त करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। छत्तीसगढ़ के इंफ्रास्ट्रक्चर को उठाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। पोषण की गारंटी देने वाला समग्र देश में पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। मनरेगा में 150 दिन की रोजगारी देने वाला भी सबसे पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। समग्र देश में मातृत्व के अवकाश की परिकल्पना छत्तीसगढ़ राज्य ने सेट की। पंचायत चुनाव में माताओं बहनों को 50% आरक्षण देने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। छात्रों को निशुल्क लैपटॉप टैबलेट देने का प्रारंभ हुआ और एक छत्तीसगढ़
बिजली के अकाल से हमेशा पीड़ित था, वो पावर सरप्लस स्टेट बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसके साथ साथ पावर हब, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग का हब, इस्पात मैन्युफैक्चरिंग का हब, एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग का हब, हेल्थ केयर की अच्छी सुविधाएं और डिजिटल क्रांति की शुरुआत भी भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुई। आदिवासी अंचल जहां एक कॉलेज स्थापना भी बड़ा दिक्कत था, सरगुजा और बस्तर में दो नए विश्वविद्यालय बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और दंतेवाड़ा जैसे सुदूर क्षेत्र में भी शिक्षा के नए मानक गढ़ने का काम रमन सिंह के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने किया। उसी कालखंड में दो मेडिकल कॉलेज से वहां से बढ़ाकर हमने 15 तक पहुंचाए। मेडिकल के विद्यार्थियों की सीटों की उपलब्धि 100 से बढ़ाकर 1100 तक ले गए। इंजीनियरिंग कॉलेज 14 से बढ़ाकर 50 तक ले गए। पॉलिटेक्निक कॉलेज 10 से बढ़ाकर 51 तक ले गए। आईटीआई 61 से बढ़ाकर 176 तक ले गए। डेंटल कॉलेज 1 से बढ़ाकर 5 तक ले गए। नर्सिंग कॉलेज 1 से बढ़ाकर 84 तक ले गए। मैनेजमेंट के कॉलेज 2 से बढ़ाकर 16 तक ले गए और पशु चिकित्सा कॉलेज और कृषि कॉलेज 4 से बढ़ाकर 31 तक ले जाने का काम हुआ।